सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है रीजनिंग के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। अब हमको केवल दो चैप्टर पढ़ना है। एक तो पढ़ना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, इसमें जो है आपको चार पांच टॉपिक पढ़ना है और एक टॉपिक एक दिन का रहेगा। और एक आपको पढ़ना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सीरीज, वो भी आपका उसमें भी तीन चार टॉपिक है और एक टॉपिक एक दिन का रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, और एक चैप्टर आपका रहेगा वेन डायग्राम का, मैट्रिक्स का। ठीक, तो इतना पढ़ने के बाद अर्थात सात या आठ, मतलब कि एक प्रकार से दस दिन मान लीजिए, दस दिन में आपकी रीजनिंग पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। और आप लोग जितना प्रेम और स्नेह हमारे ऊपर बना रहे हैं, जो भी प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम निश्चित ही आपके एग्जाम के पहले पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, जैसा कि हमने कहा है। और एक तारीख से जो आपकी प्राइज क्विज जीतो और खेलो चल रहा है, उसको आप जरूर देखिएगा। एक तारीख से उसमें आपकी पूरी जियोग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एक एक हजार क्वेश्चन मैंने जो है टारगेट किया हुआ है और उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ सारे क्वेश्चनों को। उसके बाद जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या पढ़ें जो कि हमारे काम आ जाए, तो इसीलिए हम उसी पर पढ़ेंगे, उसी विषय पर पढ़ेंगे या उसी टॉपिक पर पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। और देखिए, मैं देख रहा था कि पिछले एक और दो दिन में आपने जो है, पिछले दो दिन से आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया है, तो इसलिए आप हमारा साथ जरूर दें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। ये आपका अपना परिवार है और अपने परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। तो सबसे पहली चीज तो आपने थंबनेल में देखा होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कोड को याद करना। क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में सबसे मेन चीज, तो जो सबसे अहम रोल निभाता है, वो आपका कोड को याद करना ही अहम रोल निभाता है। क्योंकि इसमें देखिए जो है, आपको डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित करना रहेगा, इसमें आपको अपोजिट वर्ड्स के क्रम में दिया गया रहेगा, इसमें आपको जो है नंबर छोड़ छोड़ करके हमको सीरीज के टाइप में दिया रहेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। तो कई चीजें हैं और वो सारी चीजें एकदम आसान तरीके से हमको तब समझ में आएंगी जब हमको कोड याद रहेगा। तो कोड याद करने के लिए सबसे सरल तरीका आपको मैं बता दूं कि एक बार आप ए से जेड तक लिख लीजिए, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। एक बार मैं पूरा बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस। मतलब क्या हुआ कि छब्बीस वर्ड होते हैं, छब्बीस वर्ड होते हैं, और ए का मतलब एक और जेड का मतलब छब्बीस। याद कैसे करेंगे आप, याद करने का तरीका समझिए। यह तो हमको पता है कि ए मतलब एक, बी मतलब दो, सी मतलब तीन और डी मतलब चार। चार तक हमको याद रहेगा, ये नॉर्मली है। ट्रिक की बात करें तो सबसे पहली ट्रिक आप याद रखिए ईजोटी, ये आपका पांच पांच का ग्रुप है, मतलब पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस, ये आपका पांच पांच का ग्रुप है ईजोटी। ठीक, अब देखिए ई का मतलब हो गया पांच, जे का मतलब हो गया दस, ओ का मतलब हो गया पंद्रह, टी का मतलब हो गया बीस और वाई का मतलब हो गया पच्चीस। अगर आप उस तरह याद करें तो देखिए, याद करने का तरीका समझिए। क्योंकि हमको पता है कि जी बनता है ऐसे, अगर अभी हम इसको हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, सात। अर्थात ये क्या है, जी सेवन। जी सेवन सम्मेलन होता है
तो जी सात, तो जी का हो गया सात। फिर देखिए यच देखते होंगे आप, यच ये है आपका, अगर आप इसको दोनों को मिला दें तो देखिए क्या बन गया, ये आठ बन गया, तो यच का क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा। आई को देखिए ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ बताइए, ये नौ लिखा है, तो आई का हो गया नौ। जे का हमने दस बता दिया, के इलेवन, के इलेवन आईपीएल की टीम है और आईपीएल शुरू होने वाला है, तो के इलेवन हो गया। के बाद फिर यल, तो चूंकि के बाद यल आता है, यल का ट्वेल्व हो गया, के इलेवन तो यल ट्वेल्व। फिर देखिए यम, यम का मतलब कि यम ऐसे है ना, और यम का मतलब देखिए तीन की तरह बना हुआ है, अर्थात यम का क्या हो जाएगा, तेरह। इसी तरह जो है जब आप डब्लू करेंगे तो डब्लू भी देखिए तीन की तरह बना हुआ है, चूंकि तीन से एक बार हमने तेरह बना लिया, तो तेरह तो होगा नहीं, तेरह से बड़ा ही होगा, अर्थात क्या हो जाएगा डब्लू का, तेईस हो जाएगा। तो हम कहां पहुंचे थे, यम यानी कि तेरह, यद का चौदह होता है क्योंकि यम का तेरह, तो यहां आगे हो जाएगा चौदह। ओ का पंद्रह होता ही है क्योंकि इजोटी से हमने निकाल लिया। फिर देखिए ओ के बाद पी हो जाएगा, पी को अगर हम उल्टा कर दें तो देखिए पी इसी तरह बनेगा, उल्टा करेंगे तो पी का सोलह। क्यू में देखिए, क्यू में भी ऐसे ही रहता है सात की तरह, तो क्योंकि सात तो होगा नहीं, सात जी का है, इसीलिए क्यू का क्या हो जाएगा, सत्रह हो जाएगा। आर की बात करेंगे तो आर का अठारह हो जाएगा, यस का उन्नीस हो जाएगा, टी ट्वेंटी आप लोग खेलते ही हैं, तो ट्वेंटी ट्वेंटी मैच हो गया, अर्थात टी का हो गया बीस, और वी का हो गया बाईस, डब्ल्यू का हमने अभी तेईस बताया ही, यक्स का चौबीस और वाई का पच्चीस चूंकि इजोटी में है, और जेड का आपका छब्बीस हो गया। देखिए याद कैसे करेंगे, आप एक चीज याद रखिएगा, कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप जो है अपने घर वालों का नाम लिखिए, आप क्या करिए, चलिए कापी उठाइए, कापी उठाइए और अपने घर वालों का नाम लिखिए। चलिए हमने लिख दिया मोहन, हमने क्या लिख दिया, मोहन लिख दिया। अब चलिए मोहन का कोड आप बताइए, आप बताइए यम का क्या हो जाएगा, बताइए यम का कोड बताइए, यम का हो जाएगा तेरह, मायावती तेरह, ओ का मतलब हो गया पंद्रह क्योंकि जोटी में ओ पंद्रह, यच का मतलब हो गया आठ, ए का मतलब हो गया एक, और यन का मतलब हो गया चौदह। नहीं याद हुआ, अब की याद हो जाएगा। देखिए अमित, जो नाम आपको याद आए आप नाम लिख लीजिए कॉपी में, लिख करके उसका कोड बनाइए, ए का मतलब एक, यम का मतलब तेरह, आई का मतलब नौ, और टी का मतलब टी ट्वेंटी मैच हो गया अर्थात बीस। नहीं याद हुआ, चलिए अब की याद होगा। अर्चना, ठीक, अब देखिए ए, ए का मतलब एक, आर का मतलब अठारह, सी का मतलब तीन, यच का मतलब आठ, यन का मतलब चौदह, और ए का मतलब एक। अभी भी नहीं याद हुआ, आप बताइए आपका नाम क्या है, अपना नाम कमेंट करिए, बताइए क्या नाम है आपका। हाँ जैसे मोहित आ गया नाम, मोहित। अब देखिए यम, यम का हमने तेरह बताया, यम का क्या होगा, तेरह 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 सुरूर, यम का तेरह। ओ का क्या हो जाएगा, पंद्रह, यच का आठ, आई का नौ, और टी का टी ट्वेंटी मैच बीस। अगला नाम देखिए, उसमें लिखा धर्मेंद्र, चलिए धर्मेंद्र, डी मतलब चार, यच मतलब आठ, ए मतलब एक, आर मतलब अठारह, यम का मतलब तेरह, ई का मतलब पांच, यन का मतलब चौदह, डी का मतलब चार, आर का मतलब अठारह, और ए का मतलब एक। कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस करिए, मात्र बीस नाम, बीस नाम आपके दिमाग में जो आए लिखिए, उसका इंग्लिश मतलब कोड लिखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रटेंगे तो हो सकता है भूल जाएं, लेकिन अगर आप इस तरह लिख के याद करेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने भाई का सपोर्ट करिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे हम कोई नाम सोचते हैं, चलिए शिवानी लिखते हैं, ठीक। अब देखिए यस, यस का क्या हो जाएगा बताइए, यस का हो जाएगा नाइनटी क्योंकि यस के बाद टी आता है, यच का मतलब आठ, आई का मतलब नौ, वी का मतलब बाईस,
ए का मतलब एक, यन का मतलब 14 और आई का मतलब 9। किसी को कहीं समस्या हो तो बताइए। चलिए एक नाम और लेते हैं, ममता। एक नाम और लेते हैं ममता। अब देखिए यम 13, ए 1, यम 13, टी 20, ए 1। किसी को कहीं भी समस्या हो तो आप बताइए। एक नाम आखिरी नाम लेते हैं श्रद्धा। एक आखिरी नाम लेते हैं चलिए यस मतलब 19, यच मतलब 8, आर मतलब 18, ए मतलब 1, डी मतलब 4, डी मतलब 4, यच मतलब 8, ए मतलब 1। किसी को कहीं भी कोई भी समस्या हो तो तुरंत कमेंट करिए, बताइए कि सर नहीं याद हो रहा है। अगर नहीं याद हो रहा है तो मैं याद कराऊंगा, एक तरीका और बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करूंगा। तो आप लोग बताइए, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो ब्रह्मास्त्र सीखेंगे हम लोग। चलिए अगला चीज देखते हैं। अल्फाबेट में जो बेस है, बेस में अगला चीज है अपोजिट रूप निकालना, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड तैयार करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपोजिट वर्ड से भी सीरीज आपकी बनती है। मतलब सीरीज में अपोजिट अल्फाबेट सीरीज जो रहती है उसमें अपोजिट वर्ड का बहुत ही महत्व होता है। तो चलिए हम सीरीज में अर्थात अल्फाबेट में उसका अपोजिट कैसे निकालते हैं ये चीज देखते हैं। जैसे आप एक चीज समझिएगा, ए का होता है 1 और जेड का होता है 26। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 27 में से उसका रियल नंबर घटा देंगे तो हमको अपोजिट मिल जाएगा। पहले इस तरह समझिए, उसके बाद ट्रिक समझिए। जैसे ए का होता है 1, एक क्या होता है 1, एक का अपोजिट क्या होगा 27 में से 1 घटा दीजिए 26 अर्थात जेड। बी का होता है 2 और 2 में से 27 में से 2 घटा दीजिए 25 मतलब वाई। और 3 का मतलब सी और 27 में से 3 घटा दीजिए 24 मतलब यक्स। और डी का मतलब होता है 4 और 4 का मतलब क्या हुआ, उधर अगर घटाएंगे 27 में से 4 घटाएंगे 23 और 23 का मतलब कि डब्लू। फिर ई का मतलब 5 और 5 उधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 का मतलब वी का क्या हो जाएगा 22। उसके बाद देखिए ई के बाद फिर यफ और यफ का होता है 6, उधर से 6 घटाएंगे तो 21 का मतलब यू। यफ के बाद जी का होता है 7, उधर से 7 घटाएंगे तो 20 अर्थात टी। फिर देखिए जी के बाद फिर यच इसका 8 होता है, उधर से 8 घटाएंगे तो 19 का मतलब यस। फिर देखिए यच के बाद फिर आई का होता है 9, उधर से 9 घटाएंगे तो 18 अर्थात आर का हो जाएगा 18। आई के बाद फिर जे का होता है 10 और उधर से 10 घटाएंगे तो 17 10 27 और 17 का मतलब होता है क्यों। फिर देखिए जे के बाद के का होता है 11 और उधर देखेंगे तो क्यों का 17, क्यों से 1 कम करिए भाई 27 में से आप 11 घटाइए तो 16 होगा और 16 का मतलब क्या हुआ कि पी का मतलब 16। के बाद फिर यल देखिए, यल का होता है 12 और 27 में से 12 घटाइए 15 का मतलब होता है ओ। फिर देखिए यल के बाद फिर यम का होता है 13 और उधर आप 13 घटाइए 27 में से 13 घटाइए तो 14 आएगा, 14 का मतलब यन। हमने सारा लिख दिया कैसे, सबसे पहली चीज तो हम 27 में से घटा देंगे तो हमको उल्टा मिल जाएगा कि उसका अपोजिट क्या होगा। दूसरा तरीका ट्रिक से देखिए, ट्रिक से समझिएगा। पहली ट्रिक आज मतलब ए का जेड, बाई का मतलब बी वाई बाई। तीसरा देखिए सिक्स का मतलब सी का यक्स। फिर ड्यू आप लोग पीते हैं, ड्यू आप लोग पीते हैं डी का डब्लू। फिर देखिए लव हम लोग पढ़ेंगे और लव में पढ़ेंगे यल ओ वी ई अर्थात यल का ओ और वी का ई। ठीक, उसके बाद देखिए उफ बहुत गर्मी है, उफ बहुत गर्मी है मतलब उफ यू यफ उफ। फिर देखिए जीटी रोड पे आप लोग बहुत चल रहे हैं तो जी का टी। फिर देखिए हाई स्कूल आप लोग पास हो गए,
हाई स्कूल आप लोग पास हो गए, मतलब यच का यस हाई स्कूल। फिर देखिए इंडियन रेलवे की क्या बात है, इंडियन रेलवे की क्या बात है, आईआर इंडियन रेलवे की क्या बात है। फिर देखिए जहांगीर का किला तो शानदार है, जहांगीर का किला तो शानदार है, तो जहांगीर का किला यानी कि जे क्यू। फिर देखिए कमला पसंद है या कटी पतंग है, चाहे जो लिखिए आप कमला पसंद है या फिर कटी पतंग है, तो यानी कि के पी, के से कमला, पी से पसंद है या के से कटी पतंग है। यन ओ का हमने बता दिया और यम यन तो जानते ही होंगे। तो ये चीज है याद करने का तरीका, कैसे याद करेंगे ये आपके ऊपर है। आप इसको लिख करके 26 में से घटा 27 में से घटा के याद कर सकते हैं, आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल पर सपोर्ट करते रहिएगा अपने भाई का, और शेयर करते रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। और मिलेंगे जल्द ही, और हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइज सीरीज जिसमें जीतेंगे एक से एक इनाम, और वो देंगे हम आपको आपके द्वार। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार धन्यवाद, देखते रहिए द स्पीड स्टडी।